कर्द्रिंघ्रंगपालनीलनलिनोराजतकरोमनीलभाम् काञ्चीकुण्डलहारकङ्कणलशतकयूरुमञ्जीर्ताम् माभिर्नाग्रैर्विभूषितनुमारक्तनेत्रत्रयाम् पिम्पोग्रीर्जटाम्लसस्पृश्नाम् दष्टाकरालानाम् चर्मदैवपीवरम् कटौ विहदतिम् स्वेतास्थिम् पट्टालिकाम् अक्षोभेण विराजमान शिरः शंस्मिराननाम् भूरुहाम् ताराम् सहृदाश्नाम् दृढकुचाम् अम्बहम् त्रैलोक्याः शम्भ्रेत् ॐ देवेशी भक्ति सुलभि परिवार समान्विते यावत् त्वाम् पूजयिष्यामि तावत् त्वाम् सुस्थिरा भवः ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुदा नमोऽस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जयं भूतारती हरिणीं जयं सर्वगते देवी कालरात्रिं नमोऽस्तुते ॐ देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मामारजक्तोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वामीश्वरी देवी चराचरस्य नमस्ते देवी देवेशि नमस्ते ईप्सितो प्रदे नमस्ते जगद्धात्री च नमस्ते भक्तवत्सली। प्रकृति का पिंड होता है, उसमें से हम जिस चीज का ध्यान करेंगे वो वही से वही मिल जाता है। ये नहीं कि अलग अलग वहां वो है वहां वो है, ऐसा नहीं। चाहे नव दुर्गा हो, चाहे दस महाविद्या हो, कोई भी पराशक्ति हो, तो जैसे अंबिका देवी होती है, जे भगवान शंकर ने सबसे पहले नाम रखा है उनका उमा, उमा ही अंबिका है। उसको कोई अंबा माई कहते हैं, अभ्रंश शब्द है, लेकिन असली नाम है उनका उमा। उमा माने ओम, इधर पीछे लग गया जी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली का पालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुति, यही नव दुर्गा हो जाती। अब इनमें हमको इनमें से इस शक्ति का ध्यान करना है उसी में, कि जैसे जिसकी बगला मुखी है तो बोलिए ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे ओम नमो देव्ये महादेवे शिवाय सततम नमः नमः प्रकृति भद्राय नीतः प्रणतः श्मताम।